हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है सच में। अगर आपको शिमला मिर्च आलू नहीं पसंद है तो एक बार इस तरह से ये रेसिपी ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, सुपर डुपर टेस्टी बने थे। इतने पसंद आए सबको कि बोला ठीक है जल्दी फिर इसको बनाया जाए। तो भाई बनाइए, खाइए, पसंद आ जाए वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट कर दिएगा। चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ चार बड़े शिमला मिर्च और चार ही आलू लिए। सबसे पहले हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया और छोटा छोटा कट कर लेना है। छोटे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोटा, इस तरह से आप जैसे वीडियो में देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे ही इसको कट करना है। और उसके बाद शिमला मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेना है, यानी कि जब तक ये गल नहीं जाता। जैसे हमें दिखता है ना कि गल गई है सब्जी, अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल वैसे ही इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। हाथ से पकड़ के देखो, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, एकदम टूटना शुरू टूटने लगे आसानी से। बस निकाल लो इसको। और ये आलू को भी बिल्कुल छोटा छोटा कट करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो सबसे पहले हमें शिमला मिर्च को फ्राई करना है। आप यहाँ देख सकते हो कलर यहाँ शिमला मिर्च का, और ये अभी भी यहाँ थोड़ा टाइम और लेंगी, तो इसको हमें फ्राई करके अलग निकाल लेना है। फिर आलू को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक कि ये गोल्डन ऊपर से एक परत नहीं आ जाती, इनके ऊपर एक लेयर नहीं आ जाती गोल्डन। आप यहाँ देख सकते हो दोनों चीज़ों को कितने अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। उसके बाद सेम पैन में बचे हुए ऑयल में आधी छोटी चम्मच जीरा और एक छोटी प्याज फाइन चॉप करके डाल देनी है। प्याज जैसे ही गोल्डन होना शुरू हो जाए तब हमें यहाँ टमाटर डालना है। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होने वाली है। ये देखो प्याज का कलर जैसे ही गोल्डन गोल्डन होने लगा, हमने यहाँ दो मीडियम साइज़ के टमाटर जिसको फाइन चॉप कर लिया था ये ऐड किया। और टमाटर जब सॉफ्ट पड़ जाएंगे तब तक हमें भाई इसको पकाते रहना है, चला चला कर चेक करते रहना है इस तरह से। और यहाँ पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। बस जैसे ही टमाटर सॉफ्ट पड़े तुरंत हमें यहाँ 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। और इसका कच्चापन ख़त्म कर ले, फटाफट से हाई फ्लेम पे चलाते हुए पकाएं। और बाद में कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिया है 1.5 टीस्पून भर के सौंफ धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो मिर्च बढ़ा लीजिए। हमने यहाँ 1 छोटा चम्मच लाल सा पिसी मिर्च पाउडर, मतलब लाल मिर्च पाउडर लिया है। और अभी हरी मिर्च का भी हमें यूज़ करना है। बस मसाले डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालना है और इसको अच्छे से भून लेना है, जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब यहाँ जैसे ही मसाला बढ़िया से भुन गया, ऑयल अलग दिखने लगा, हमने यहाँ 3-4 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देनी है। तो भाई अब जो सबसे मेन चीज़ है ना, बस मसाले को अच्छे से भून लेना है, क्योंकि सब्जी तो हमारी ऑलरेडी गली हुई रखी है, पकी हुई रखी है। इसको डालने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकाने में। तो मसाला एकदम बढ़िया से पहले भून लेना है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, और उसके बाद हमें आलू शिमला मिर्च इसमें ऐड कर देना है, डाल देनी है अच्छे से मसाले में। इसको हमें मिला लेना है बहुत प्यार से, क्योंकि भाई ये घुट ना जाए, टूट ना जाए। आलू शिमला मिर्च सब अच्छे से मिलाने के बाद इसको कवर करके हम पकाएंगे करीब 2 मिनट तक। या अगर आपको लगता है कि इसमें हल्का सा कच्चापन है तब आप इसे अपने हिसाब से टाइम और दे सकते हो। उसके बाद सबको अच्छे से मिलाओ, कवर करके लो फ्लेम पे इसको कुक करो, बाद में इसे गार्निश कर दो फ्रेश कटे हुए हरे धनिया से। बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बहुत कम टाइम है, फटाफट से। तो बनाइए, खाइए, रेसिपी पसंद आ जाए लाइक एंड कमेंट कर दिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं ना तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में प्रेस कर देना बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।